Hi everyone. So guys, very good evening to all of you. Before I proceed with anything, just listen my voice if I'm audible and just confirm whether my voice is clear or not in the chat box. Uske baad haal chal puchungi main. Hi. Am I clearly audible, everyone? So, how are you? You are beautiful. Okay, thank you. Thank you, Chandra. Hi. So guys, very good evening to all of you. As you have been listening to my classes, jab se hum kar rahe hain bio, thank you so much uske liye. And I am Anjali Ahuja, your InstaSolve faculty. And today, the topic that we are going to learn is one of the very important topic. Matlab, itna important hai ki aaj ke, pata nahi, session mein khatam ho paega ki nahi. तो लेकिन हमारी नेक्स्ट थर्सडे को भी इसी टाइम क्लास होगी तो उसमें हम कंटिन्यू कर लेंगे. बट जितना भी है फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट आज हम करने वाले हैं. और अगेन यू नो नीट के सैम्पल पेपर्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं तो यू नो कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. सो वी हैव टू लर्न दैट टॉपिक इन दैट वे. फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट देयर इज 100% चांसेस दैट यू विल गेट वन क्वेश्चन मिनिमम. मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर नीट एग्जाम. चलो शुरू करते हैं. फिर कब चालू होगा? हो गया क्लास चालू हो गया. ओके थैंक यू सो मच. लेट मी टेक योर हाई एंड हेलो. हेलो हाय शरद, हाय महक, हाय ओके सुदर्श शरद अगेन, हाय गणेश, हाय रीमा, हाय सुचिता, हाय नीवा. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So first of all, into the photosynthesis in higher plant, guys, we are going to have a little discussion on history. History on photosynthesis is a topic hai jisme MCQs, matlab 30-40% chance hai ki aa sakta hai, particularly is topic pe. But I'll give you a little information. Maine yahan scientist ke naam diye hain aur uske saath usne kya matlab kaam kara, that I'm going to tell. Kuch bhi nahi hai, bahut easy information hai. सबसे पहले 1950s में ये कहानी स्टार्ट हुई. तो डू नॉट वरी गाइस, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई एम गोइंग टू स्पीक एवरीथिंग सो यू विल अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज दिस वेन हेलमोंट. ओके वेन हेलमोंट ही फिगर्ड आउट दैट द सोइल वॉज नॉट द मेन सोर्स ऑफ मास ऑफ द प्लांट. कि जो प्लांट का मेन मास बन रहा है दैट्स नॉट एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम सोइल. एंड ही बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द मास कम फ्रॉम द वॉटर. तो उसने स्ट्रेस किया कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो प्लांट का मास पूरा बन रहा है वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, वेन हेलमोंट ने बोला. उसके बाद जून वुडवर्ड फिगर्ड आउट वाटर एडेड वेरी लिटिल टू द मास. कि वाटर तो करता है बट वेरी लिटिल, बट मोस्ट ऑफ द मास दैट कम फ्रॉम समवेयर एल्स. अब इसने ये नहीं बताया कि वो मास कहाँ से आ रहा है बट दैट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. ओके तो इसको जहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है ना गाइस, वहाँ पे कम चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आए क्वेश्चन. जैसे अब ये यहाँ पे उसने वाटर को मतलब स्ट्रेस ओवर किया तो जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना टू द पॉइंट, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. ठीक है. जॉन प्रेसले ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट रिलीज समथिंग दैट एनिमल नीड टू सर्वाइव. हाँ लेकिन ये तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने यहाँ समथिंग वर्ड यूज़ किया बट वी नो दैट दैट्स ऑक्सीजन. बट इनडायरेक्टली दर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बिंग मैंशनड, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. उसके बाद जैन इंगन हाउस ही फिगर्ड आउट दैट प्लांट इन द डार्क कैन नॉट रिलीज द मटीरियल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल नीड टू स्टे अलाइव. वॉट ही वॉज इंडिकेटिंग, जो प्लांट एक्टिव होते हैं वो लाइट में और एक्टिवेट होते हैं, मतलब इन द डे टाइम. नाइट टाइम में दे आर नॉट दैट मच एक्टिव दैट दे वुड बी डूइंग दैट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज हेल्पिंग अस टू सर्वाइव. Though that reaction was not, you know, mentioned by him, that oxygen is released and that same thing. Okay, उसके बाद है जीन सेनेबियर. He showed that oxygen replaced carbon dioxide during photosynthesis. तो उसने यही ये this is very important point that he mentioned that CO2 is there utilized in the photosynthesis that is later on replaced by oxygen. अब वो कैसे होता है क्या होता है उसमें वो नहीं बताया बट दिस थिंग वॉज एक्सप्लेन. एंड देन निकोला सुशोर ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मास कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ही वॉज करेक्ट. कार्बोहाइड्रेट वी नो दैट फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है दैट्स कार्बोहाइड्रेट विच इज इवेंचुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बट उसमें C6H12O6 में जो CO2 है मतलब सॉरी जो कार्बन है दैट कम फ्रॉम CO2 एंड दैट्स वॉट वी हैव टू रिमेंबर. That's like a very little history, guys. अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कुछ स्टेप्स में होता है.
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन सी पिगमेंट हेल्प करती हैं, लोकेशन क्या है, किस तरीके से होता है, वो हम एक बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे. हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं लेकिन उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ लोकेटेड है, क्या पिगमेंट है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्क्रीन में गाइज आप लोग देखेंगे, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. सो गाइज ऑन दिस स्क्रीन दिस, अच्छा लेट मी रीड योर कमेंट्स. हाँ पहले, अच्छा हाय हेलो ही है ना, ठीक है. हाय आरती, हाय आदित्य, हाय इट्स डेलिया, नाइस नेम, हाय प्रतीक, ओके डियर. सो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ. मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है. सबसे पहले उन्होंने लीफ लिया, लीफ का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया. अब क्रॉस सेक्शन में इन्होंने ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है. हमें पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम लीव्स में होता है. रीज़न भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. वैसे तो प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन है ना, चाहे ग्रीन स्टेम भी है वो हर्बेशियस प्लांट की, उसमें भी होता है, बट द कंटेंट इज़ वेरी लेस. तो स्पेसिफिकली लीव्स में ये चीज़ें होती हैं. लीव्स में हमें पता है ना कि सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मिस होती है, फिर सेल्स होती हैं, फिर इसके अंदर वेन है, मिडिल वेन जो होती है, उसके बाद ये एपिडर्मिस है. ये वेन जो है इसमें वो जाइलम फ्लोएम भी जाते हैं क्योंकि कंडक्टिंग सिस्टम है, वाटर और फूड तो जाएगा ही ना. एनीवेज जो मेरे को आपको बताना है गाइज वो है इन मीजोफिल सेल्स के बारे में. दीज आर नॉर्मल सेल्स और ये सेल्स दे आर मतलब नॉर्मल सेल्स बट मॉडिफाइड सो एज टू शो फोटोसिंथेसिस. डिफरेंस इज दैट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मैक्सिमम इन इट. इनके बीच में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैनी मैनी, लाइक आई एम मेकिंग ऑल द ब्लैक डॉट्स. सो दीज ऑल आर इमेजिन, यू नो, अदरवाइज मेरे को वैसे तो साइड्स पे बनाना चाहिए, प्रेफर टू बी ऑन साइड्स ताकि मैक्सिमम यू नो उसको सनलाइट मिल सके. हाँ तो एनीवेज मीजोफिल सेल्स आर द स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ विच हैव लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू शो फोटोसिंथेसिस. एंड देर आर टू टाइप ऑफ मीजोफिल सेल, वन इज पेलिसेड एंड वन इज स्पॉन्जी. जो स्पॉन्जी होती है उसमें इरेगुलर डिज़ाइन होता है, और जो पेलिसेड है दैट्स वेरी कम्पैक्ट एंड हैव अ प्रॉपर डिज़ाइन. अ पॉइंट क्या है, ये जो पेलिसेड है ये होता है जहाँ पे मतलब अपर सर्फेस पे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा कम होते हैं. जहाँ स्टोमेटा है वहाँ ऑब्वियसली एयर स्पेसिस चाहिए, तो स्पॉन्जी उस साइड होता है क्योंकि एयर स्पेसिस भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, हमें सेल्स भी चाहिए. सो दैट्स लाइक अ क्रॉस सेक्शन. अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे. आई नो दैट दिस टॉपिक यू हैव लर्न इन योर क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 11th. सो दिस इज लाइक रिविजन एंड अगैन एंड अगैन. सो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट हाँ रिविजन. चलो आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. सो गाइस दिस इज क्लोरोप्लास्ट. हमें पता है क्लोरोप्लास्ट की दो लेयर होती हैं, आउटर एंड इनर लेयर. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्टैक ऑफ कॉइन है, मतलब दिस इज लाइक अ पाइल और स्टैक ऑफ कॉइन. दिस पाइल ऑफ कॉइन स्ट्रक्चर टुगेदर दिस इज नोन एज ग्रेना. और इस पाइल ऑफ कॉइन का एक कॉइन, वन कॉइन इज नोन एज थैलेकोइड. फोटोसिंथेसिस इन्हीं थैलेकोइड्स में होता है. वैसे तो मतलब स्ट्रोमा ग्रेना दूसरे पार्ट्स में भी होता है. अच्छा मैंने क्या ये क्लीन नहीं किया था क्या, एक सेकेंड कैसे रह गया और तो नहीं ना कुछ. चलो ठीक है. एनीवेज तो ये हो गया थाइलेकोइड, ये हो गया हमारा ग्रेना. उसके अलावा जो दूसरा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है चीज, दैट इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज द एक्वस फ्लूइड. मेन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इन्हीं ग्रेना और इन्हीं स्ट्रोमा में चलती हैं. हाँ फोटोसिंथेसिस में एनर्जी भी बनती है, एटीपी, एनएडीपीएच. उसको बनाने के लिए एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है इन थाइलेकोइड्स में. अगर आपको डिफरेंस याद है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेसिस होता था तो इनर मेम्ब्रेन में होता था, बट क्लोरोप्लास्ट में वो एंजाइम इन थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट है. इनकी आउटर इनर मेम्ब्रेन में रिएक्शन चलती रहती है और यहाँ पे एटीपी बनता रहता है. और तो कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम होते हैं. और इसके अलावा क्या लर्न करोगे तुम. हाँ बस, अच्छा एक और चीज़, इन थाइलेकोइड्स के बीच में
फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिगमेंट. पिगमेंट होता है एक ऐसा कलरफुल चीज़ जिसमें मेनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल ट्रिपल मतलब वो कॉन्जुगेटेड एज इन यू नो डबल बॉन्ड मेनली होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कलर एमिट करते हैं एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. तो वो पिगमेंट सिस्टम इन थायलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं. देयर लॉट ऑफ पिगमेंट्स लाइक 200, 300 पिगमेंट्स टुगेदर प्रेजेंट इन दीज थायलाकोइड एंड दे फॉर्म पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम. ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर. नाउ अब पिगमेंट कर रही हूँ तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन पिगमेंट. अच्छा प्लीज कंफर्म इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर ना. क्लियर ना. चलो गाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड. तो अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो होती हैं दे आर मेनली थ्री पिगमेंट. एक सेकंड ना, चेयर साइड कर. तो सबसे पहली होती है क्लोरोफिल, फिर होता है कैरोटीनॉइड्स और फिर होता है फाइकोबिलंस. जो कैरोटीनॉइड है ये दो टाइप का होता है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल. और गाइस ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूँ, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में नहीं होता. फोटोसिंथेसिस एल्गे में होता है, दैट्स इन द प्लांट दो, बट दैट ऑल्सो हैपन इन ब्लू ग्रीन एल्गे. दुनिया में 90% जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर दूसरे एल्गे जो एक्वेटिक हैं, इजंट इट. और बैक्टीरिया में भी होता है फोटोसिंथेसिस और उनके क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं. तो ये जो पिगमेंट है ये स्पेसिफिकली सिर्फ एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में नहीं है, कुछ एल्गे में भी है, दैट आई विल टेल यू. बट मेन ऑफ द पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल जो बहुत सारे टाइप का होता है. तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. थैंक यू. ओके सो गाइज दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल. लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. सो गाइज लेट मी टॉक अबाउट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसी पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट का कलर होता है ग्रीन. वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन कलर को एमिट करते हैं. इतना ही नहीं और क्लोरोफिल जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उससे बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो कि हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक है, यू नो द डिफरेंस. जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक है उसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, FYI. एनीवेज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. दैट्स अ प्रोसेस दैट हैपन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम दी क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस मॉलिक्यूल, मतलब जो होते हैं ना इंडक्टिव मॉलिक्यूल, जिसने मतलब जो इनिशियली मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेटिक सेंटर भी बोलते हैं ना, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं, वहाँ से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है. उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी के लिए हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस. क्लोरोफिल ये जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ABCDE, कुछ बताऊंगी मैं आपको उसके बारे में आगे. इसका जो मेन टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट C15H72O5N4Mg. Mg इज मैग्नीशियम जो इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल है. इफ़ यू रिमेंबर गाइस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर सेम हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप की तरह होता है. हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप की तरह, बस उनके सेंटर में FE होता है, इसके सेंटर में Mg होता है ना. Why I am telling you same? Because not 100% but maximum resemblance I will say. Why? Because the external structure, this is known as porphyrin ring. And that same porphyrin ring, I have told you this earlier also guys, that is present in hemoglobin. इसमें जो ये एक ring है ना, इसको बुलाते हैं pyrrole ring. मतलब जैसे इसमें ये चार ring दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4 है ना. मैं clean कर रही हूँ screen, but I hope you're getting it. ये जो चार रिंग दिख रही है इस रिंग को बुलाते हैं पायरोल, बिकॉज देयर आर फोर रिंग्स, सो वी से इट्स अ टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर. टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर स्पेलिंग ठीक है ना, आई यूजली मेक मिस्टेक. ओके सो दिस इज नोन एज पोरफायरिन रिंग विच इज अ टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर. पोरफायरिन रिंग का तरीका क्या होता है लिखने का, ऐसे आपको एक ये बनाना है, सेंटर में नाइट्रोजन लिखना है, फिर आपने एक ऐसे रिंग बनानी है, यहाँ पे भी बनानी है
और सेंटर में मैग्नीशियम, फिर ये सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है और सेंटर में सब पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन. ये जो नाइट्रोजन है ना मैग्नीशियम के साथ Mg2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, दिस इज अ पोरफायरिन रिंग और इसको लिखने का सिंबॉलिक भी होता है, सिंबल भी होता है, मेडिकल साइंस जैसे होता है. सिंबॉलिक फॉर्म में ना हम इसे ऐसे लिखते हैं पोरफायरिन रिंग को. एनीवेज दिस इज क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर. अब क्लोरोफिल में आपको गाइज जो याद रखना है ये ऊपर के फंक्शनल ग्रुप कुछ 3-4 याद करने हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगी कौन से लर्न करने हैं. और इसके बाद ये जो लंबी सी चेन दिख रही है दिस इज नोन एज फाइटोल चेन. सॉरी इट्स अ फाइटोल चेन, मैंने रिंग लिख दी है गलती से. और लेट मी पुट अ वन मोर रिमाइंडर इफ यू डोंट रिमेंबर इट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस चैप्टर. दिस इज हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग द फाइटोल चेन एंड द पोरफायरिन रिंग द अदर रिंग दिस इज हाइड्रोफोबिक. That's what is structure of chlorophyll. Now, as I've told you, chlorophyll is of many type, 1, 2, 3, 4, जो भी है, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं, ABCD type. That I'll tell you how they are different from one to another on the next screen. Let me read your comments, guys. By the way, angular displacement in damped oscillation. Thank you, but that's a biology class, dear. निशांत मैम DNA प्लीज, आई लव योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच. सुपरवा, योर नेम इज सुपरवा ना? सुपरवा आई रियली अप्रिशिएट. थोड़ा सा पढ़ लो, ये ABCD तुम्हारा कुछ चल रहा है, पेपर आने वाले हैं. मैं डराने पे आ गई ना, मैं बहुत गंदा डराती भी हूँ, प्यार से पढ़ा रही हूँ, सुन लो चुपचाप. अच्छा सो गाइस, अब ये है इसका क्लोरोफिल का मेन पोरफायरिन रिंग. यहाँ ये फाइटोल है, PHY लिखा है, फाइटोल रिंग है. मेन आपको जो लर्न करना है क्लोरोफिल ए बी डी और एफ यहाँ पे हैं, इनमें R1 R2 R3 R4 ग्रुप, ये R1 ये R2 ये R3 यानी R4, बस R1 CH3 है सब में, क्लोरोफिल एफ में CH होता है, R2 में सब में CH डबल बोन CH2 है, लेकिन क्लोरोफिल डी में ये CHO है, मतलब लोकेशन चेंज हो गई. R3 जो है CH3 सब में, लेकिन CHO क्लोरोफिल बी में है और R4 में सब सेम है. ठीक है, दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. हाय काशिफ, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर गाइस. आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ आई वांट टू टेल यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरोफिल ए बी सी डी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. जो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना क्लोरोफिल सी का, इसमें H32 है. इसका रीज़न ये, इसमें फाइटोल चेन नहीं होती है, बाकी सब में होती है. तो दैट लाइक अदरवाइज ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हैव सीन, दैट्स डिफरेंट. हाय अंकुप्रिया, हाउ आर यू? हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? ओके गाइज, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम पढ़ेंगे कैरोटीन्स के बारे में. गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो 3 टाइप के होती हैं. क्या बताया था? कैरोटीनॉइड्स बताए थे, क्लोरोफिल बताया था, फाइकोबिलेंस बताया था. मैंने बोला था कैरोटीनॉइड 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल. तो हम कैरोटीन और जेंथोफिल पढ़ेंगे. कैरोटीन सुन के सबसे पहले बीटा कैरोटीन याद आता है ना, बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन होता है. बीटा कैरोटीन की खास बात ये है कि इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. आपने गोल्डन राइस के बारे में सुना होगा, वहाँ पे हम बीटा कैरोटीन मतलब कुछ ऐड करते हैं, लाइक जीन्स फॉर बीटा कैरोटीन विच इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. जो लोग विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं, जिन जगहों पे विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे गोल्डन राइस बहुत डिमांड में है. इट्स अ वेरी बायोटेक्नोलॉजिकल अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ा हो. बट मेरा मेन कंसर्न यही नहीं है, मेरा मेन कंसर्न ये है बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए एंड दैट्स ऑल्सो नोन एज प्रोविटामिन, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, उसके अलावा कैरोटीन और भी टाइप्स का होता है, अल्फा एंड बीटा मेन है. कैरोटीन्स दे आर ऑरेंज येलो एंड रेड. अच्छा एक और चीज़ मुझे याद आई, अगर आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो तो हम लोग करते थे क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, उसमें क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट होता है, हम पेपर लेते हैं और कुछ सॉल्वेंट ले लेते थे.
तो सॉल्वेंट लेने के बाद सॉल्वेंट के अंदर हम उस पेपर को डिप करते थे, लेकिन उससे पहले हम जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसके ऊपर क्लोरोफिल के सेगमेंट लेते थे हम, सेगमेंट नहीं मतलब पिगमेंट ले लेते थे बहुत सारा हम। एक्चुअली क्या करते थे, क्लोरोफिल स्पिनच से, क्योंकि स्पिनच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता था, उसे हम वो मोटर पेसल से पीस पीस के बहुत सारे ड्रॉप ट्राई कर करके फिर उसको सॉल्वेंट में रखते थे, फिर सारी पिगमेंट अलग हो जाती थी, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीन ज़ैंथोफिल, वो कलर के हिसाब से। तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर, तो उसमें ऑरेंज येलो या रेड पिगमेंट हो सकती है, दैट इज़ फाउंड लार्जली इन फ्रूट वेजिटेबल एंड डार्क ग्रीनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये जो कैरोटीन्स है बहुत हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पिगमेंट सिस्टम एंड इन्वॉल्व इन प्राइमरी लाइट एब्जॉर्प्शन, इन्होंने लाइट ली फिर उसको क्लोरोफिल को ट्रांसफर किया काइंड ऑफ, एंड दे आर मेनली ऑफ टू टाइप अल्फा एंड बीटा, बीटा इज इन कैरेट, बाकी तो मैं बोल चुकी हूँ, बीटा जो है रेड कलर का होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है, याद है ना गाइस। अल्फा बीटा कैरोटीन, इसके अलावा ना ये बहुत सारे और भी टाइप है, फाइटोटीन, लाइकोपिन, ये लाइकोपिन मैंने लिखा ना यहाँ पे, इसके अलावा एक और होता है फाइटोटीन, ये सारे कैरोटीन के टाइप हैं। उसके अलावा ये लाइकोपिन है, ये टोमेटो रेड फ्रूट्स में अवेलेबल होता है। सो गाइस दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरोटीन, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ज़ैंथोफिल, आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर। आज मतलब टॉपिक ऐसा है एकदम, आई एम इन टू द टॉपिक, ज़्यादा बकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर आने वाला है तो थोड़ा सा बकल अप कर लें, अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, अब पेपर स्क्रीन पे बहुत सारा ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा बहुत सारा, बट नॉट वरी, मैं पहले खुद ही बोल देती हूँ फिर स्क्रीन पे पढ़ लेती हूँ, तो फ़ायदा नहीं है उसका, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को तो फ़ायदा है, मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके, आपके लिए मैं इसलिए लिखती हूँ कि अगर आप क्लास में थोड़ा सा लेट आए या कुछ भी, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लर्न अप कर सकते हो। जो ज़ैंथोफिल, हाँ एक और चीज़, जो कैरोटीन होती है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन कंटेनिंग, जो कैरोटीन होती है दैट्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट पिगमेंट, पिगमेंट होता क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये जो होता है दैट्स ऑक्सीजन कंटेनिंग ज़ैंथोफिल। अच्छा एक और चीज़, ज़ैंथोफिल दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, अरे यार जगह ही नहीं लिख लेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ैंथोल और कैरोटीनोल्स, दैट्स अनदर नेम ऑफ ज़ैंथोफिल, ठीक है। अच्छा ज़ैंथोफिल दे आर, अब बोल दिया मैंने, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ मैनी ऑफ द येलो ऑरेंज रेड ह्यूज ऑफ फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, अब उन्होंने दिखाया है कॉन एंड पेपर। उसके बाद एग योग में, फेदर्स में, येलो फ्लैश ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज, फ्लेमिंगो, श्रिम्प, लॉबस्टर, चिकन, ठीक है। In plant, they are involved in photosynthesis with chlorophyll and responsible for the red, yellow and brown color of autumn foliage as the chlorophyll level decline. ये पढ़ा ना आपने, क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गे में फ्यूकोजेंथिन पढ़ा है ना, फियोफाइसी में, इट्स अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन तो याद होगा, वो भी नहीं याद तो शर्म करो। और ये जो मैंने ऑटम फॉलिएज बोला है ना, इस टाइम पे मेनली पिगमेंट जो आती है प्लांट में वो आता है ल्यूटिन, LUTEINE, लिखा नहीं जा रहा मेरे से इससे नीचे, तो राइटिंग बहुत ही खराब है, बट दैट्स अ ल्यूटिन और ये ऑटम फॉलिएज, मैं दैट्स अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ज़ैंथोफिल, आई होप दैट्स क्लियर टू यू, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अरे ये कौन है जिसको फिजिक्स की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स के डाउट्स आ रहे हैं, ग्रेविटेशन, कैपलर्स, फर्स्ट लॉ, एक बोलती हूँ मैं आपके सर को, इनकी फिजिक्स की क्लास है मेरे बाद, पढ़ा देंगे आपको। सो गाइज नाउ द नेक्स्ट पिगमेंट फाइकोबिलिन, सबसे पहली बात फाइकोबिलिन्स, फाइको इट्स अ ग्रीक वर्ड, फाइको मीन्स एल्गा, बिलिन्स मीन्स बाइल, एंड दिस पिगमेंट इट यूज टू बी प्रेजेंट इन ऑल द एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, यू मस्ट हैव हर्ड द पिगमेंट ना, फाइको एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गे में होती है, फाइको एरिथ्रिन ये रेड एल्गे में होती है, दैट्स ऑल फाइकोबिलिन्स, ठीक है। तो फाइकोबिलिन दे आर दी क्रोमोफोर, कलर वाली पिगमेंट, लाइट कैप्चरिंग, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ रेड एल्गे, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है गाइस, क्लियर टू यू, थैंक यू। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे पीपीटी में देखना पड़ेगा अगला टॉपिक क्या था, हाँ ठीक है, अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा।
वो टॉपिक क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है कौन सी वेवलेंथ पे ज़्यादा होता है कम होता है, तो दैट्स ग्राफिकली एक्सप्लेन्ड, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट. तो गाइज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ ग्राफ. सबसे पहले मैं बता दूँ ये टॉपिक क्या है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा. जो ऊपर वाला है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जो नीचे वाला है दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रा. अब इनका मीनिंग बताती हूँ मैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है लाइट की, कौन सी हमें पता है फोटोसिंथेसिस विजिबल वेवलेंथ में हो रहा है, 400 से 700 नैनोमीटर में हो रहा है, विबग्योर जिसे बोलते हैं, नीचे बना भी हुआ है. तो पॉइंट ये है कि इसी विबग्योर में से कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दैट्स एन एक्शन स्पेक्ट्रा. एक्चुअली एब्जॉर्प्शन में हम बोलते देखते हैं कि कौन सी जो पिगमेंट है सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, और एक्शन में हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं. जैसे कि ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसमें क्या है, दिस इज वेवलेंथ, और ये है रिलेटिव एब्जॉर्प्शन कि इस वेवलेंथ पे ये पिगमेंट कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, समझ रहे हो ना. तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी है, ये 400 के आसपास यहाँ पे वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर 600 के आसपास क्लोरोफिल ए एंड बी, फिर वो कैरोटीनॉइड अलग से है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो क्लोरोफिल का है 430 एंड 662, क्लोरोफिल ए का है 430 एंड 662. कहने का मतलब ये है कि ये 430 एक बार 430 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और एक बार 662 नैनोमीटर पे लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, एज यू कैन सी. उसके बाद है गाइज क्लोरोफिल बी का, एज यू कैन सी दैट इज 455 एंड 644. क्लोरोफिल बी का है 455 एंड 644, कि ये क्लोरोफिल जो है बी पिगमेंट, ये इन वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, दैट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. इसके अलावा जो एक्शन स्पेक्ट्रा है उसमें हम देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि इतनी वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है. आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन ब्लू रीजन, ये ब्लू का एक्चुअल में वॉयलेट थोड़ा इस साइड आता है, ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रा. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? लेट मी टेक वाटर एंड देन आई कंटिन्यू. सुप्रभा, इट्स हेलो मैम, योर बेस्ट टीचर, थैंक यू फनी टेक, ठीक कहा. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये है फोटोसिंथेसिस के बारे में. अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर के कोर में. फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस को एक ब्रीफ आउटलुक दे देती हूँ, ताकि जब आप उसे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा पढ़ क्या रहे हो. गाइस, पढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी होती है, सबसे पहले टॉपिक समझने से भी पहले आपको ये समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हो. आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो जो डिटेल हैं, टॉपिक क्या क्या कवर होने हैं, उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हो. मान लो आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप सीधा बैठ गए क्लास में सर्कुलेशन पढ़ने के लिए, कुछ नहीं समझ आएगा. जब तक आपको एक बेसिक चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो दो टाइप का होता है, एक लिम्फेटिक होता है, एक सर्कुलेटरी होता है, सर्कुलेटरी में ये पार्ट होते हैं, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द टॉपिक. सो इन द सेम वे व्हाट आई हैव ट्राइड इस इमेज में, आई शो यू अ सिंपल वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट में देखो फोटोसिंथेसिस इस तरीके से होता है. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हमें पता है गाइस, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है ग्रैना में, ग्रैना के थाइलेकोइड्स में. जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर, इसलिए इन्होंने ग्रैना में दिखाया. एक और चीज, लाइट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. पानी जो है स्प्लिट कर रहा है,
H2O स्प्लिट करेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी. तो वन इंपॉर्टेंट थिंग हैपन इन द लाइट रिएक्शन विच इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सेकेंड थिंग दैट हैपन इन टू द लाइट रिएक्शन इज गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बोला था थाइलेकोइड्स के बीच में बहुत सारे पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. ये सब पिगमेंट सिस्टम में मूवमेंट हो रही है, फोटोलिसिस हो रहा है या कुछ और रिएक्शन हो रही है, इन्हीं पिगमेंट सिस्टम की वजह से होती है. क्योंकि हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही यहीं स्टार्ट होती है. यहाँ पे ये पिगमेंट सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये फर्दर रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं. क्लोरोफिल आता है सबसे पहले हमारा प्यारा, जो कि रिएक्शन स्टार्ट करता है. समझ रहे हो? अब दूसरी चीज़, अच्छा बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं. अच्छा एक और चीज़, लाइट रिएक्शन हैपन इन द डे टाइम, इट नेवर हैपन इन द नाइट टाइम. लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. उसके बाद लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है ATP और NADPH. नाउ हमारी लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, CO2 का कुछ नहीं हुआ, एक हमारी हो गई, एनर्जी बन गई. अब ये एनर्जी जाएगी डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि है कार्बोहाइड्रेट. सुक्रोज इन्होंने यहाँ लिखा है, बट यू कैन राइट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अलग अलग बुक में कुछ भी लिख दें, बट सुक्रोज हमें पता है मेन प्लांट में एब्जॉर्बेंट फॉर्म होती है, जो स्टोर होती है. एनीवेज, तो अभी ये जो ATP NADPH है ये जाएगी स्ट्रोमा में, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा. डार्क रिएक्शन इट इज़ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट नेवर डिपेंड अपॉन लाइट. इट कैन हैपन इन द डे टाइम ऑल्सो एंड नाइट टाइम ऑल्सो, बट इट नेवर डिपेंड्स अपॉन लाइट, एंड दैट्स ऑल्सो नोन एज ब्लैक मैन्स रिएक्शन. एनीवेज दैट डिटेल आई विल प्रोवाइड यू वंस वी लर्न दैट इन डिटेल. But yeah, so into the stoma this ATP and NADPH चले गए और यहाँ पे एक reaction को join कर लिया. Actually that's not a reaction, but that's a series of reaction that's happening in a cycle. That cycle is known as Calvin cycle. Maximum chances में Calvin cycle होता है, but exceptions are always there. इसी chapter में आज तो cover हो ना पाए, but एक्सेप्शन दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट थर्सडे बता दूंगी कि वो एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे नॉर्मल C3 या केल्विन साइकिल के अलावा दूसरी रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं. बट एनीवेज गाइस, यहाँ पे ये चल रही है डार्क रिएक्शन जिसका नाम है केल्विन साइकिल. यहाँ पे ATP ने इसको ज्वाइन कर लिया, एंड सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे CO2 फिक्स होती है. CO2 फिक्स होती है डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में नहीं होती. यहाँ पे CO2 आई, इसने भी ज्वाइन किया, उसने भी ज्वाइन किया, मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाया, फिर वो हमारा जो ATP NADPH था वो फ्री हो गए, मतलब ATP यूटिलाइज हो गए, एंड दे आर इनटू द सिंपल फॉर्म नाउ ATP एंड NADP. ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, क्योंकि वहाँ से रिड्यूस होके आ रहा है और यहाँ ज्वाइन कर लिया, और ये वाला हो गया फॉस्फो, मतलब डीफॉस्फोराइलेट, मतलब इस वजह से फॉस्फोरस रिलीज हो गया, फिर ये दोबारा आ गया लाइट रिएक्शन में. बस ये साइकिल चलता रहता है. दिस इज फोटोसिंथेसिस. अब मैं आपको ये सारे टॉपिक वन बाय वन पढ़ाऊंगी. आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगी, लाइट रिएक्शन में ATP बनता है, NADPH बनता है, वो कैसे बनता है, पिगमेंट सिस्टम के बारे में बनता है. और पिगमेंट सिस्टम में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मॉलिक्यूल कभी कभी, नॉट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से ही कहानी शुरू होती है. सबसे पहले लाइट फॉल करी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल पे, वहाँ क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, है ना, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जंप करने लगे. किस में? इन पिगमेंट सिस्टम में. पिगमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और ATP और NADPH बनता है. कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, कभी नहीं आते. कब वो वापस आते हैं, कब नहीं आते, दैट आई विल टेल यू. बट लेट मी टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. अगर इलेक्ट्रॉन आ गए वापस तो दैट साइक्लिक, नहीं आए तो नॉन साइक्लिक. ठीक है, अब मैंने पिगमेंट सिस्टम बहुत बार मेंशन कर दिया ना, एक काम करती हूँ आपको पिगमेंट सिस्टम बताती हूँ. बता तो मैंने दिया ही है, बट उनके बीच में पिगमेंट क्या क्या होती है वो आपको बताती हूँ. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका लेना है तो. हाय समीक्षा, आई डोंट लाइक बायो. देखो, इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट, मतलब ये मैंने नहीं बोला है, मैंने कमेंट पढ़ा बाय द वे, इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट एंड देन यू से आई डोंट लाइक बायो, तो क्यों ली तुमने बायो. इफ यू आर नॉट अ बायो स्टूडेंट एंड देन यू से दैट्स फाइन, बट इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट एंड देन यू सेइंग आई डोंट लाइक बायो, तो आपका ही नुकसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेक योर सेल्फ दैट यू लव इट. और ऐसा नहीं है जिसको आप नफरत करते हो उसे जिंदगी भर नफरत करो. अगर आपका सब्जेक्ट है, यू कैन लर्न टू लव इट. ओके,
Just train yourself. Now let me read your comments. Ma'am, what is pigment system? Abhi batati hu. Why photosynthesis is important for the plant for making the product? Plant ka khana hai photosynthesis. Hamara khana hai. Hum khana na khaye to kya hoga? To wahi plant ke saath hoga. Bas wo apna khana khud banate hain. Hai na? Chalo, ab kisi ne pucha what is pigment system? To pehle main aapka question le leti hu pigment system ka. उससे पहले ये एडिशनल दो चीज़ें मैंने स्क्रीन पे लिखे, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी. गाइस, टेक्निकली मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि ये टॉपिक लाइट रिएक्शन के अंडर आते हैं. पिगमेंट सिस्टम होता है थायलेकोइड्स के अंदर बहुत सारी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं और वो पिगमेंट मिल के पिगमेंट सिस्टम बनाती हैं. उसमें क्लोरोफिल भी आते हैं, कैरोटीन्स भी आते हैं और कुछ केसेस में फाइकोबिलिन्स भी आते हैं. ठीक है, तो दैट्स पिगमेंट सिस्टम. अब वो डिटेल क्या है आपको इसे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. टेक्निकली गाइस, हमारी लाइट रिएक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है. सबसे पहली बात, लाइट रिएक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन. मुझे यहाँ लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा, बट डजंट मैटर बिकॉज अब मैं लिख देती हूँ. लाइट रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. क्यों बोलते हैं इसे हिल्स रिएक्शन? सबसे पहले प्यारे रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने एक काम किया, एक स्टडी करी, एक एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, दो प्लांट थे, एक का नाम था चिकवीट, चिकवीट एक और प्लांट भी है नेटल, नेटल प्लांट है ना, हाँ ठीक है, लेमियम एल्बम, वाइट नेटल. बाय द वे मैं स्पेलिंग देखने गई थी, वाइट नेटल. दो प्लांट लिए. जो चिकवीड है इसका साइंटिफिक नाम है स्टेलेरिया मीडिया. इट्स साइंटिफिक नेम इज स्टेलेरिया मीडिया. और जो वाइट नेटल है इसका साइंटिफिक नाम है लेमियम एल्बम. अब इस इंसान ने क्या किया, इसने इन दोनों प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को अलग कर लिया, फिर उसे एक मिक्सचर में डाला. उस मिक्सचर में एक केमिकल था, वो केमिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा था. उस केमिकल का नाम है पोटेशियम फेरीऑक्सिलेट. सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम ऑलरेडी सेइंग फेरीऑक्सिलेट ऑक्सिलेट पोटेशियम फेरीसाइनाइड पोटेशियम फेरीसाइनाइड. इसने इन केमिकल में क्लोरोप्लास्ट को डाल दिया. हमारे ये केमिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं. फिर उसने इस चीज़ को प्रूफ किया कि देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जहाँ पे मेरे फेरिक आयन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ. एक्चुअली रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया कि देखो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होती, रिलीज नहीं होती, कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और रिएक्शन होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड लिख दिए हैं ताकि आप समझ जाओ. गया. जो रिएक्शन है दैट इज 4Fe3 पॉजिटिव. It's three positive guys that react with H2O. Because यहाँ पे उसने क्या लिया था, water molecule लिया था, and that makes 4F positive. अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसको balance बाद में करती हूँ. 4Fe2 positive plus H positive plus oxygen. उसने यही बोला कि यहाँ पे photolysis of water हो रहा है, oxygen molecule release हो रहा है. ठीक है, 2H2O आएगा और 4H positive यहाँ पे release हो रहे हैं. That's reaction that he actually told that's happening and that's he did it. ठीक है, ये आयन तो पता ही है ना आपको, ये भी नहीं पता तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी फिर आपने. ये है फेरिक आयन और ये है फेरस आयन. हमारा मेन कंसर्न ये है कि रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है. ठीक है, क्लियर? रॉबर्ट हिल रिएक्शन दैट कम अंडर लाइट रिएक्शन. इसके बाद जो लाइट रिएक्शन का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरी एक्सपेरिमेंट भी नहीं बोलूँगी अभी के लिए, दूसरा
प्रूफ दिया एर्नोन ने. अब इसने क्या बोला, एर्नोन जी ने ये बोला कि देखो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं. जो एटीपी है वो बनता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से. हाँ ठीक है स्पेलिंग. एटीपी बनता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनता है, मतलब एडीपी एटीपी बनाता है ना, तो उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तो दैट इज़ फॉस्फोराइलेशन. अगर फॉस्फेट रिलीज हो रहा था तो दैट्स डीफॉस्फोराइलेशन, है ना. हाँ तो बस लाइट की प्रेजेंस में है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन. और जो फोटो रिडक्शन है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ NADPH, मतलब NADP से NADPH बना. तो दैट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. रिडक्शन हुई ना, NADP से NADPH बना, H पॉजिटिव रिएक्ट किया, तो दैट्स फोटो रिडक्शन. तो उसने बोला कि देखो ये भी बनता है. तो लाइट रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली दो लोगों ने बोला, रॉबर्ट हिल ने बोला और इसने बोला. ठीक है अब गाइज हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे लाइट रिएक्शन में. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. लेट मी रीड योर कमेंट्स बाय द वे. There is any relationship between photosynthesis and transpiration? Of course, yes. क्योंकि mainly exchange of gases stomata से होता है और वो stomata में ही है जो CO2 enter करता है या oxygen release होता है या वो evaporation transpiration होता है. तो अवधुत I will say yes, they are मतलब effect करते हैं वो एक दूसरे को. ठीक है guys, so let's move forward. मैं क्लीन कर देती हूँ स्क्रीन. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस पिगमेंट सिस्टम के बारे में. पिगमेंट सिस्टम क्या है? पिगमेंट सिस्टम दो होते हैं या फोटो सिस्टम वन एंड टू. तो इसके अंदर कुछ नहीं है आपको, मैं पिगमेंट सिस्टम कम से कम 5-6 बार बता चुकी हूँ. तो एक रिमाइंडर डाल देती हूँ, पिगमेंट सिस्टम में कम से कम एक पिगमेंट सिस्टम की मैं बात करूँ, कम से कम 200 क्लोरोफिल्स होते हैं. हर क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के होते हैं. कोई क्लोरोफिल किसी वेवलेंथ पे अब्सॉर्ब कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर सो मेनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. और दूसरी चीज़ ये है उसके साथ कैरोटीन्स भी होते हैं, मतलब 50 तरीके के कैरोटीन, 200 तरीकों के क्लोरोफिल फोटो सिस्टम वन और टू बनाते हैं. फोटो सिस्टम वन में मेनली क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल 670, 680, 695, 677, 684, 692. सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2-4 लर्न कर लो वही बहुत है तुम्हारे लिए. बट हाँ एक चीज़ याद रखनी है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ अब्जॉर्बिंग एट 700 सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होता है. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. दैट्स वाई फोटो सिस्टम वन इज ऑल्सो नोन एज P700. और दूसरे केसेस में ये सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं बट मैक्सिमम 680, मतलब मैक्सिमम नहीं मिनिमम बोलूँगी वेवलेंथ. हाँ इसके केस में मैक्सिमम है बट उसके केस में तो उस ऊपर वाले से कम है. तो यहाँ P680 भी बुलाते हैं फोटो सिस्टम. दिस इज P700 एंड दिस इज P680 ऑन द बेसिस ऑफ एट विच मे वेवलेंथ दे अब्सॉर्ब मैक्सिमम. तो दैट्स वन. You can take a screenshot if you want to read it, though I have read it for you already. What is Q cycle? Guys, is there anyone in the class who want to answer the question about what is Q cycle? And guys, let me know once you take the screenshot or we are good to go. चलो गाइज आगे बढ़ते हैं. ठीक है किसी को क्यू साइकिल पता है? देखो डियर मैंने एज अ डिटेल में तो मैं नहीं बोलूंगी, अभी मुझे याद आ रहा है, मुझे इतना याद है कि क्यू साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते थे, पिगमेंट सिस्टम जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में. तो देयर वी यूज टू लर्न इट. अब उसकी डिटेल इफ यू वॉन्ट टू नो आई विल टेल यू. सो गाइज ऑन द स्क्रीन वॉट यू कैन सी राइट नाउ, दिस इज फोटो सिस्टम वन. एक सेकेंड, इफ यू कैन सी इन द फोटो सिस्टम वन, समथिंग इज रॉन्ग विद द स्क्रीन. एरोस कहाँ हैं इसके सारे? हमारे यहाँ मिस्टर इंडिया भी हैं. मिस्टर इंडिया कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हमारी हेल्प करते हैं क्लासेस में? एक्चुअली आई हैव नेम्ड हिम एज मिस्टर इंडिया. ये पूरी नहीं दिख रही है फोटो. चलो ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके आई विल प्रोसीड. मे बी साइक्लिक, मे बी नहीं पक्का साइक्लिक है ये. वो इसमें ना एरोस थी फोटो में दिख नहीं रही हैं, ये ऐसे है. अच्छा
तो कहानी शुरू कैसे होती है? दिस रिएक्शन इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या फिर साइक्लिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाम है फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन में पहले ही बता दिया एटीपी बनता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनता है, एनएडीपीएच2 नहीं बनता है, और ये होता है फोटोसिस्टम वन में. कहानी शुरू होती है, सबसे पहले सनलाइट से यहाँ से फोटोन आए, आए आए तो फोटोन आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर चाहिए, तो पहला एक्सेप्टर होगा प्राइमरी एक्सेप्टर. पहले ज़माने में, ज़माने मतलब कुछ साल पहले, मतलब जितने भी, ये माना जाता था कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो फेरिडॉक्सिन होता है. बट आज के टाइम में वी हैव मतलब स्टडीड इट, दैट्स एक्चुअली FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. आपको पता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक को देखना लोग घबरा जाते हैं. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट हो गया, वो जंप कर रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, और थ्रू आउट द प्रोसेस उसने कुछ ना कुछ बना दिया, एटीपी बना दिया, एनएडीपीएच बना दिया. साइक्लिक में एटीपी बनता है. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, उसको प्राइमरी एक्सेप्टर ने ले लिया, एफआरएस ने, वहां से फेरिडॉक्सिन पे गया, वहां से प्लास्टोक्विनोन ने ले लिया. ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं बट इन अ सीक्वेंस. उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आया. हाँ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में एटीपी बनता है. एडीपी एटी, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन पे आ गए, फिर वापस आ गए. ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, फोटोसिस्टम वन है, दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्लियर गाइस? होना तो चाहिए क्लियर, कंफर्म कर दो. ठीक है, सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द नॉन साइक्लिक. बाय द वे, जो प्लास्टोसाइनिन होती है, दैट्स अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट, इफ यू डोंट रिमेंबर. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइकिल, विच इज द जी स्कीम, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ऑल्सो नोन एज जी स्कीम, ऑल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड वैसे लिखते नहीं हैं, क्योंकि इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ फोटो रिडक्शन भी होता है, एटीपी के साथ एनएडीपीएच भी बनता है. और क्या बताऊँ, एक एटीपी बनता है, मतलब चार H2O रिलीज होंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और दो एनएडीपीएच बनेंगे, एक एटीपी बनेगा. मतलब अगर मैं एक साइकिल की बात करूँ तो, सुन ली ना मेरी बात ध्यान से. चलो देखते हैं अब क्या होता है. इसके अंदर फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम टू, वन और टू दोनों इन्वॉल्व होते हैं. कहानी हमारी शुरू होती है फोटोसिस्टम टू से. एक और चीज़ इसमें होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. हमारा वाटर जो है स्प्लिट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, प्राइमरी एक्सेप्टर पे चले गए. पहले माना जाता था हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इसमें प्लास्टोक्विनोन है, लेकिन ये देख रहे हो प्लास्टिक, लेकिन आज के टाइम में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये प्लास्टोक्विनोन नहीं है, ये है फियोफाइटिन, प्राइमरी एक्सेप्टर. ठीक है, तो ये फियोफाइटिन ने सबसे पहले ले लिया, मतलब और जो फियोफाइटिन का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल क्लोरोफिल ए की तरह होता है, बस उसमें मैग्नीशियम नहीं होता. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास गया, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया. हमें पता है यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे एटीपी बनता है. इन्होंने दिखाया नहीं ना डायग्राम पे, बहुत गंदे हैं ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा है ना, एटीपी बनेगा ये बहुत गंदे हैं, मतलब ये कि जहाँ से मैंने फोटो ली है. अच्छा, उसके बाद ये है, फिर ये प्लास्टोसाइनोन पे जाएगा. अब ये साइनोन यहाँ पे आ गया, प्लास्टोसाइनिन, सॉरी, फोटोसिस्टम वन पे. अब फोटोसिस्टम वन के ऊपर आया, और यहाँ पे फिर वही कहानी शुरू, प्राइमरी एक्सेप्टर, फेरिडॉक्सिन. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फेरिडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी रिडक्टर इसके पास गए. एक बात बोलूँ, ये जो नॉन साइक्लिक चल रहा है ना, थायलेकोइड पे चल रहा है, ये थायलेकोइड की ना वो जो मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल उसके मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, और इस मेम्ब्रेन के जस्ट दूसरी साइड, बाहर की साइड, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. वो इलेक्ट्रॉन जस्ट वो मेम्ब्रेन जंप करके एनएडीपी रिडक्टेज के पास जाता है, और वहाँ पे एनएडीपीएच बन जाता है, फोटो रिडक्शन भी हो गई. ठीक है, तो गाइस इतना है हमारा साइक्लिक में. मैं रिपीट कर देती हूँ, ईच टर्न ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट प्रोड्यूसेस वन एटीपी एंड टू एनएडीपीएच, मतलब टू एनएडीपीएच मतलब छः एटीपी और
4 molecule of H2O is photolyzed and 1 molecule of O2 is released. अच्छा और एक और चीज़ एडिशनल बता देती हूँ, मैंने दो चीज़ें आपको बताना भूल गई मैं, वैसे मैं मेरा नॉन साइक्लिक वाला हो चुका है। दो चीज़ें जो मुझे ताज़ी ताज़ी याद आ रही हैं, वो एक मुझे ये याद आ रहा है कि जब वो रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसकी डाई कौन सी यूज़ करी थी वो नहीं बताई मैंने आपको, मैं रॉबर्ट हिल की रिएक्शन की बात कर रही हूँ। उसने जो डाई यूज़ करी थी वो थी DCPIP, फिनोल इंडोल फिनोल, क्या मैंने गलत बोला, डाइक्लोरोफिन, हाँ ठीक है बिल्कुल परफेक्ट बोला मैंने, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, ये डाई उसने लाइट रिएक्शन रॉबर्ट हिल ने यूज़ करी थी गाइस, इट्स अ ब्लू कलर डाई, रेडॉक्स डाई बुलाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि जो ये नॉन साइक्लिक है इसके इनहिबिटर कौन है, देर आर सर्टेन केमिकल्स विच इनहिबिट नॉन साइक्लिक रिएक्शन, दैट इनहिबिटर नेम इज CMU और DCMU। अगर आपने मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दी ना, मतलब तुम्हारी नीट की तैयारी तो डन है, जल्दी से बताओ, पाप लगेगा अगर तुमने गूगल सर्च किया तो। Where more ATP are synthesized, cyclic or non-cyclic? Nice question. That's a non-cyclic बच्चा, because NADP is related to ATP. एक NADP से तीन ATP बनते हैं ना, जल्दी से फुल फॉर्म बता दो। टेन सेकेंड्स मिलेंगे तुम्हें, टिक टिक, टेन 9, 8, 7, 6, मैंने फुल फॉर्म पूछा है, लॉस्ट माइंड, 5, 4, 3, बाय द वे इट वॉज योर यूजर नेम इफ पीपल थिंक व्हाट आई एम सेइंग, 2, 1, टाइम्स अप। CMU होता है क्लोरो फिनाइल मिथाइल, अभी किसी ने फनी से फुलफॉर्म लिखे पढ़ के बता, मिथाइल यूरिया, और ये होता है डाइक्लोरो, डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया, ठीक है गाइस, थैंक यू। साइक्लिक मास यूनिट किसने लिखा है, अच्छा सो गाइस दिस इज व्हाट इनहिबिटिंग इट, एंड लेट मी टेल यू गाइस, आज का जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया, क्योंकि हमारा सेशन 1 घंटे का हो पाता है, तो आई थॉट कि मैं इट्स बेटर कि आपको ये चैप्टर 2 क्लासेस में ख़त्म करा दूं, मैं कराने को 1 क्लास में भी करा सकती थी, बट उससे ना तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता, 1 घंटे में मैं फटाफट से आधे टॉपिक मिस करने पड़ते मुझे, तो मैंने सोचा मैं 2 क्लासेस में पूरा करूँ। तो हमारी ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ है साइक्लिक तक, समझ रहे हो, हमारी डार्क रिएक्शन रहती है, मैंने सोचा पहले मैं डार्क रिएक्शन भी ऐड कर दूं, बट फिर अगली क्लास में मैं आपको एक्सेप्शंस बताती कि डार्क रिएक्शन के एक्सेप्शन क्या, तो आई थॉट कि नहीं मैं डार्क रिएक्शन पहले पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में ही, और उसके साथ ही एक्सेप्शन बताऊंगी। वो एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी डार्क रिएक्शन C3 की जगह C4 साइकिल होता है, फोटो रिडक्शन होती है, C2 साइकिल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अभी के लिए 2-3 MCQs मैंने ऐड किए हैं, चलो वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक टॉपिक हो गया, नॉन साइक्लिक मतलब लाइट रिएक्शन तक, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का टॉपिक कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, सेम टाइम नेक्स्ट वीक 6-7 PM IST। सो गाइज मैंने 2-4 MCQs ऐड किए हैं, प्लीज़ सॉल्व करो, लेट मी रीड योर कमेंट्स टिल द टाइम, बाय। अरे रुक जाओ, 2-3 MCQ तो कर लो अवधूत, 7 बजे क्लास किया करो प्लीज़। किरण सिंह आई ट्राई, एक्चुअली इसके बाद ना मेरी एक और क्लास होती है, बट आई विल ट्राई, ठीक है, किसी और दिन भी लेना पड़ा या कुछ भी है, अभी के लिए मेरे को थर्सडे का अवेलेबिलिटी मिल रहा है। बाय द वे वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, ऑप्शंस आर, आंसर द क्वेश्चन, ओम शांति। दो
बाकी लोग भी बोलो। ज़ेंथोफिल सोच लो, पेपर में भी इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसका करंट आंसर है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सब वाटर सॉल्युबल होती हैं, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब ये भी नहीं बताया, मतलब मेरी क्लास ही नहीं सुनी तुमने ध्यान से, तो शर्म करना सर अपने ऊपर। जल्दी से आंसर बताओ। पंकज कुमार कब आए आप, कुछ तो मिस कर दिया क्लास में आज आपने। हाँ, लॉस्ट माइंड, कैन यू चेंज योर यूजर नेम, मतलब मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगता है बोलने में, बिकॉज आई फील यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट देन योर यूजर नेम इज वेरी ऑपोजिट। किरण सिंह, ओके, व्हाट अबाउट अदर पीपल हैव टू से, देवी और देवताओं। नॉन साइक्लिक में मैंने क्लियरली बोला था साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, एटीपी बनेगा, और फिर मैंने ये भी बोला था कि एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है वो भी बनेगा, फिर भी तुम एटीपी एनएडीपी दोनों बनते हैं, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, शायद एक और क्वेश्चन ही है, मैंने आज ज़्यादा नहीं करे, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा करूँ, चैप्टर अभी रहता है ना इस वजह से। अच्छा, वॉट विल बी द रेशो of oxygen produced to that of the consumed in daylight hours when the rate of respiration is less than that of the photosynthesis. तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, 1:1, 8:1, 50:1 एंड 5:1। इससे पहले अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो एक चीज़ याद दिला दूँ, देयर इज़ अ थिंग विच इज़ नोन एज क्वांटा, अ पैकेट ऑफ लाइफ लाइट। तो कितने पैकेट ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, क्वेश्चन इज दैट, रीड द ऑप्शन। अब क्वांटा से ना मुझे एक लास्ट चीज़ याद आई है जो इसी क्वेश्चन में बताऊंगी, पहले आंसर बताओ मुझे इसका। थैंक यू एवरीवन, नाइस, दैट्स 8:1। 8 फोटोन की लाइट पड़ती है तब जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है ना। आज कितने फोटोन पड़े, आज तो सूर्य ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स, उसके बारे में भी पढ़ लेना। ईएम रेडिएशन निकलती है कोरोना से, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे, दैट्स आयनाइजिंग रेडिएशन विच कैन कॉज म्यूटेशन, बट आई सजेस्ट यू स्टडी ओवर दैट। मैं ये यहाँ की बात वहाँ कैसे ले गई, एनीवेज ले गई। हाँ, तो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है क्वांटा और एक होती है क्वांटाजोम। क्वांटाजोम हम पिगमेंट सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं कि थायरेकोइड्स में बहुत सारी पिगमेंट टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, तो दैट्स क्वांटाजोम। तो क्वांटा इज अ डिफरेंट टर्म एंड क्वांटाजोम इज अ डिफरेंट टर्म। विद दिस वी आर डन विद टुडेज डिस्कशन। आज मैंने एक थोड़ी सी अच्छी सी वो यू ऐड करी आपके लिए जिप फाइल। मैं हर बार लास्ट पीपीटी में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट कि आप लाइफ में ऐसे बच्चे बने जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लास में ऐसे तो नहीं बैठ रहे ना, मेरी फ़ोन लेके बैठे हो, ओहो दूसरी एप्लीकेशन भी नहीं खोल सकते, अब तो इंस्टा सॉल्व पे ही बैठना पड़ेगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा। अभी के लिए गुड लक टू यू गाइस, अच्छे से पढ़ो। आज हो गई है 26 दिसंबर, मिस्टर इंडिया इट्स 26 दिसंबर ना, आज है 26 दिसंबर, तो अच्छे से पढ़ाई शुरू करो, 4-5 दिन रह गए हैं, उसके बाद मई आने वाला है और हमारा नीट का पेपर होने वाला है, अपना अच्छे से प्लान बनाओ। और सिर्फ बायो ही नहीं, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री भी हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बायो के होते हैं 90 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री के 45, बट उन पे ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशन है, बायो में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होता है बायो में, और वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें मैनेज करनी है। अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट हर हफ्ते हर वीक में ज़रूर देना है, हर 4 दिन लगा लो यार, वीक तो ज़्यादा हो जाएगा, हर 4 दिन में अपने आप को इवैल्यूएट करो कि इस बार 720 में से कितने मार्क्स आए एक मॉक टेस्ट देने पे। ठीक है, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को कंप्लीट करेंगे हम, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे हम, और वहाँ पे फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि उससे अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है।
ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू यू, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते. अंजलि आहूजा फ्रॉम इंस्टा सॉल्व इज सेइंग बाय टू यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड, बाय.